नमस्कार, आपको बता दें कि गाजियाबाद के लेमन ट्री होटल में एसआरसी एंटरटेनमेंट्स द्वारा एलीट चॉइस अवार्ड्स सीजन 3 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री अर्चना गौतम मुख्य सेलिब्रिटी अतिथि के रूप में शामिल हुई। साथ ही पद्मश्री अवार्डी श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी ने शिरकत की। कार्यक्रम में सदस्य मानवाधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों पर कोर समूह अध्यक्ष शहीद भगत सिंह सेवा दल भारत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के संचालक सिल्की छाबड़ा और रचित छाबड़ा ने मीडिया और विभिन्न राज्यों से आए लोगों का स्वागत किया। एलएसआरसी एंटरटेनमेंट्स की आयोजक और क्रिएटिव हेड सिल्की छाबड़ा ने और कहा कि हम कलाकारों को आगे आने और अपने कौशल और प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच देना चाहते हैं। एसआरसी एंटरटेनमेंट्स हमेशा मंच प्रदान करने के लिए आगे आया है। वहां एक मेकअप आर्टिस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। एल ब्यूटीफुल ब्राइड्स ऑफ इंडिया सीजन 3 भी वहां थी, जिसे माननीय जूरी शिल्पी उप्पल, सोनिया राणा, मोनिका पटेल और राशु त्यागी द्वारा जज किया गया। अर्चना गौतम की ड्रेस सेलिब्रिटी डिजाइनर सोनिया कौर ने डिजाइन की, मेकअप मंजू भड़ाना ने किया और नेल आर्ट पदम और अंकित क्रेजी नेल हब ने किया। इस कार्यक्रम की अर्चना गौतम और जितेंद्र सिंह शंटी ने तारीफ की। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। एसआरसी एंटरटेनमेंट, मुझे लगता है कि जो ये अच्छे अच्छे प्रतिभाशाली लोगों को देश के कोने कोने से बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं, इससे उनका हौसला बढ़ता है और लोगों को काम करने का भी प्रेरणा मिलती है। तो ये अवार्ड्स जो होते हैं ये लोगों को प्रेरित करने के लिए होते हैं। मैं बधाई देता हूँ एसआरसी को कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं खास करके इन दोनों मियां बीबी को बहुत अच्छे तरीके से चुनते हैं, उन लोगों को जो देश के अंदर अलग अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। तो आज का कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम है। दर्शकों को मैं एक बात कहूंगा कि कोई भी आप किसी भी फील्ड में है, लेकिन काम देश के लिए करिए, काम समाज के लिए करिए, काम मानवता के लिए करिए, तभी आप किसी अवार्ड के लिए चिन्हित होते हैं। क्या बोलते हैं, दिल्ली वालों से जब जब मिलती हूँ तब तब ऐसा अपनेपन का एहसास होता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ठंड हो रही है और तो भी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे लोग मतलब सब लोग यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा है कि ऐसे शहरों में मतलब आप लोग इतना मोटिवेट करते हो लोगों को अवार्ड से, मतलब उनको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि वो आगे कुछ करने का जज्बा रखे। किसी से यही बोलना चाहती हूँ, इसी तरह से आप अपना कार्य करते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा और हर साल ये अवार्ड आए। अर्चना की बातें और सबसे बड़ी बात है कि दिल की बहुत ताकतदार है, उनके जो भी बोलेगी पर दिल की बहुत ताकतदार है। उनसे मिलकर मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी सेलिब्रिटी से मिलूँ, मुझे लग रहा था मैं अपने घर के किसी इंसान से मिल रही हूँ। बहुत डाउन टू अर्थ लेडी, मतलब तारीफ जितनी करो इनकी कम है। इस बार मैंने अवार्ड खरीदे या इस बार दिखे आए हैं, लेते आए हैं, लखनऊ से, बरेली से, बदायूं से, काफ़ी जगह से आए हैं, सब अर्चना से मिलने आए हैं। तो इसमें एक हमने कॉम्पिटिशन रखा था ब्राइडल फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिनर निकाले और उसके अलावा हमने फैशन शो रखा है फीमेल का। आई एम पदम एंड मीजा अंकित, आई एम एन इलाजी। शॉप नेम इज क्रेजी नेल हब। हमारी दो ब्रांचेस है, एक रोहिणी सेक्टर 17 में और एक रोहिणी सेक्टर 96 चौक मार्केट में। मैंने अच्छे मैम को जो है कि एक दिन हमें नेल्स किए हैं हम दोनों ने मिलकर के और वो बहुत हैप्पी है। और यहाँ पे हमारे फर्स्ट अवार्ड है और मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी है। मैं भी यहाँ पे मतलब बहुत प्राउड फील हो रहा है। हाँ जी, यहाँ का जो भी कहा मैं सही लगा, मतलब अच्छा मैम से मुलाकात भी किया और यहाँ का जैसे कि मेहंदी होती है, लाइव यार होते हैं उस अकॉर्डिंग के लिए, लेकिन नेल्स भी होते हैं। नेल भी एक हमारी ब्यूटी का पार्ट है और वो भी एक इतना इंपॉर्टेंस है। विदाउट नेल आई डोंट थिंक सो कंप्लीट फॉर योर ब्यूटी रिलेशन एनी वर्क। तो इसलिए कहते हैं कि जो नेल्स लाएगा आई एम श्योर कहते हैं कि विदाउट नेल नॉट कम्प्लीट योर हैंड एंड नॉट योर फिट। तो फोटो भी लगाइए मैम। और आज मैंने मेकअप किया है अर्चना गौतम जी का और उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, आई थिंक सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बट मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि वो भी मेरठ की और मैं भी मेरठ की, तो हम तो वैसे ही दोनों सिस्टर्स हो गए। आज के सीरियसली आज का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा, मैंने बहुत मेकअप किया है अभी तक, बट एक सेलिब्रिटी का मेकअप करके पहली बार बहुत अच्छा लगा। सीरियसली मैम का नेचर बहुत अच्छा है। अब देखिए जब हम काम करते हैं, जब हम मेकअप करते हैं तो लोग परेशान करते हैं कई बार, बट मैंने नहीं किया परेशान बिल्कुल भी, और बहुत कॉम्फिडेंट।
ये एक ऐसी शख्सियत जो इतने मुकाम पे पहुंच के हमारे यहाँ यूपी से, तो बहुत हम्बल, बहुत डाउन टू अर्थ। सेलेक्ट नहीं किया हमारे सब जो आप लोग आए हैं, इन्होंने सेलेक्ट करके हमने वोटिंग कराई थी, तो इनका नाम जी दिल्ली और यूपी पूरे मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में आप तो चाहिए ही। आप मैं आपको नए शो की मैं बहुत जल्दी यहाँ उसमें ट्रिपल कैपिटल में बहुत बड़ा सुपर फेमनाइन होने वाला है इस बार तो इवन सोच से ज़्यादा पार्टिसिपेट और पूरे भारत से आए जैसे कि बताया अभी सभी उनके सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स टाइम निकाला फिर ट्रस्ट किया ऐसी ट्रस्ट बना के रखे ऐसे ऐसे लोगों को अब और ज़्यादा आपके उनके लिए एंटरटेनिंग आपके लिए और फंक्शन ऐसे एंटरटेन बहुत पार्टिसिपेट और आप अच्छा काम कर रहे हो जो भी आप काम कर रहे हो डू बेस्ट और थोड़ा सा काम सोशल के लिए भी आए मेरे शो में आए ऐसे सम्मानित व्यक्ति उनको तो और मेरे शो का तो बहुत सम्मान बढ़ाया है मैं सॉरी मैं माफी चाहूंगा मैं उनके साथ उनको मेरा नाम सिद्धिका वर्मा है इंटरनेशनल एक आर्टिस्ट है आज यहाँ SRC एंटरटेनमेंट के तहत जो भी मुझे अवार्ड मिला है बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है दोनों हस्बैंड वाइफ जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है और अर्चना गौतम जी जिनके थ्रू मुझे ये अवार्ड मिला है जो कि थर्ड रनर रही है बहुत ही अच्छा उनका नेचर है उनके थ्रू मुझे अवार्ड मिला मैं बहुत ही गर्व फिर मैं कहना चाहूँगी इसके बारे में कि दुबई जाके मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और वहाँ जो मुझे अवार्ड मिला मैं बहुत ही ज़्यादा उससे मुझे एक्सप्लोर करने को मिला अपना जो पैशन है तो मैं उससे यही कहना चाहूँगी कि अपना पैशन कभी नहीं छोड़े ये पैशन आपको कहाँ से कहाँ चाहिए तक पहुँचा रहे हैं आप एक्चुअली ये मेरी मम्मा को शुरू से आता था तो मेरी मम्मा से ही मिला है और आप इंटरनेशनल लेवल के गेट्स में बताऊँगी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस बार किसका चांस है ज़्यादा देखो मैं तो चाहती हूँ अंकिता लोखंडे जीते क्योंकि उसने काफ़ी मतलब लाइक चीज़ें झेली हैं उनकी सांस से तो डिजर्विंग कंटेस्टेंट मुझे आपकी तरफ से NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन